रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में वह विंडीज दौरे पर विजयी परचम लहराकर लौटी है। यही नहीं, बतौर कप्तान रोहित शर्मा अब विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं। रोहित की कप्तानी में भारत का विनिंग परसेंटेज शानदार है और इसलिए वह विराट का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गए हैं। बता दें कि भारत को बतौर कप्तान सबसे ज्यादा T20 मैचों में जीत दिलाने का रिकॉर्ड MS धोनी का है। उन्होंने टीम इंडिया को 41 मैच में जीत दिलाई है। इस मामले में कोहली दूसरे स्थान पर है। उन्होंने अब तक 30 मैचों में टीम इंडिया को जीत दिलाई है। रोहित शर्मा ने 29 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि वो अब 2 जीत दूर हैं। बता दें कि रोहित शर्मा बतौर कप्तान अब तक 35 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और इस दौरान उन्होंने महज 6 मैच में हार का सामना करना पड़ा। रोहित का विनिंग प्रतिशत 82.85 है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने हाल ही में विंडीज के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। टीम इंडिया ने पहला मैच 68 रनों से जीता, जबकि दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद लगातार 3 मैच में जीत हासिल की। आखिर T20 मैच में रोहित शर्मा को आराम दिया गया था, उनकी जगह हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हुए नजर आए थे। रोहित शर्मा अब 27 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप में भी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। एशिया कप T20 प्रारूप के तहत भी खेला जाना है। रोहित शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।